G20 शिखर सम्मेलन से पहले उत्सव में माहौल शुरू हो गया है। शनिवार से 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल से इसका शुभारंभ हुआ। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू हुए इस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कई व्यंजनों का स्वाद भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की थीम पर आधारित ये फेस्टिवल रविवार रात 11 बजे तक चलेगा। फेस्टिवल में G20 समूह के 4 देश और भारत के 14 राज्य और कई प्रमुख होटल हिस्सा लेने आए हैं, जिसमें बाजरा, रागी और आटे से बना राजस्थान का मोहन थाल तो वहीं चूरमा लड्डू मौजूद है। इसके साथ ही पुरानी दिल्ली के मटर समोसे, इमरती और छोले भटूरे जैसे स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन भी मौजूद है। फूड फेस्टिवल में नामी होटलों के व्यंजन भी यहाँ उपलब्ध हैं, साथ ही अपने अपने राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन भी लेकर विक्रेता यहाँ आए हैं। इसमें कुछ व्यंजन काफी किफायती हैं तो कुछ महंगे भी हैं। 100 से लेकर 400 रुपए प्रति प्लेट तक की कीमत के जापान, मेक्सिको और चीन के व्यंजन मौजूद है। पंजाब के स्टॉल पर मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ दही कबाब, बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला, अमृतसरी छोले कुलचे मौजूद है। वहीं पंसारी ग्रेट के स्टॉल पर पैक किए गए जौ बाजरे का विशेष तौर पर तैयार किया गया आटा मिल रहा है, जिसे पानी में घोलकर लोग घर पर भी इन वस्तुओं को बना सकते हैं। इस आटे से बने चीले पकौड़े को यहां बनाकर भी लोगों को चखाया जा रहा है। वहीं राजस्थान में रागी बाजरा और आटे से बना मोहन थाल और चूरमा लड्डू भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।